लाहौर के तमाम स्कूल जुमा, हफ्ता और इतवार तीन रोज बंद रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से स्कूल्स में तीन रोजा छुट्टियों का नोटिफिकेशन तलब कर रखा है। अदलिया के खिलाफ तकरीर के केस में असद उमर ने गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत, अदालत ने गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। असद उमर ने अपने जवाब में कहा कि केस नहीं चलाना चाहता, जो कहा गैर मशरूत माफी मांगता हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अच्छा किया माफी मांग ली, गैर मशरूत माफी से मुतमईन है। अदालत ने केस निपटा दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत। अदालत के हुक्म पर अरशद शरीफ कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस की मुद्दईत में थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक अहमद नामजद। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करा दी। एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अलायंस का वफद आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म एसोसिएशन के वफद के एजाज में इशाइया देंगे। 16 ममालिक के मेंबरान पर मुश्तमिल एशिया पैसिफिक ICT अलायंस का वफद पाकिस्तान के दौरे पर है। एसोसिएशन के सालाना अवार्ड्स की मेजबानी भी इस साल पाकिस्तान करेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध से कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M3 दरखाना से समंदरी जबकि M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिरपीर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रहनुमा PTI शहबाज गिल की तबीयत नासाज, सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। शहबाज गिल को सांस में मुश्किल और खांसी की तकलीफ है। शहबाज गिल दमे के मरीज हैं। कारी बनकर वारदातें करने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का गैंग गली मोहल्लों में भिखारी का रूप धार कर घूमता था। जिस घर का दरवाजा खुला होता वहां असलहे के जोर पे वारदात करते। दो मुलजमों के पास नकली, तीन के पास असली पिस्टल्स थी। मुलजमान से 4 लाख रुपए नकली, मोटरसाइकिलें भी बरामद।